हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूं एक बहुत ही बढ़िया गेम, मजा आ जाएगा खेल के। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, वीडियोस नए नए देखना चाहते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल आइकन को तो जरूर टैप कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए आज का ये फन एक्साइटिंग गेम शुरू करते हैं। तो आइए गेम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि ये कार्ड्स का गेम है, पर इसमें बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट है जो आपको पता नहीं, वो तो गेम खेलने पे ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको चारों इक्के निकालने हैं और चार बॉल्स में रख देने हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कलर्स शेप जो है वो अलग अलग हमें पता लगे कि यहाँ पे चिड़ी आ सकती है, हुकुम आ सकता है, ईट आ सकती है और पान आ सकता है। अब इसको खेलने के लिए हम प्लेयर को देंगे सिर्फ 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स में ये गेम बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, आप देखिएगा। इसके लिए हमने एक पैक ऑफ कार्ड्स ले लिए हैं। ये जो कार्ड्स है, ये सारे कार्ड्स हैं, इसके अंदर कुछ भी हमने बाहर नहीं निकाला है। साथ में हमें चाहिए एक डाइस, तो 15 सेकंड के लिए प्लेयर डाइस चलेंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है, जो है जोकर। इसमें हमने एक जोकर डाला है, तो ये जोकर जब आएगा तभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसको शफल कर लेते हैं। अब मेरे 15 सेकंड का टाइम शुरू होता है, तो मैं डाइस चलाता हूँ। एक एक, तीन एक, दो तीन, पांच एक, दो तीन, चार पांच, पांच एक, दो तीन, चार पांच, तीन एक, दो तीन, ये एक आया है, दो। आपको ऐसा लाइन से सीक्वेंस में ही चलाना है। चार आया तो इसके बाद हम इसी में ही डालेंगे, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। चलिए 15 सेकंड मान लीजिए मेरे पूरे हो जाते हैं, ये मैं रख देती हूँ साइड में। अब इस गेम का स्कोर दो तरीके से हो सकता है, बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। पहला तो हम क्या करेंगे, प्लेयर को बोलेंगे कि चार कार्ड ये जो बचे हुए डेक है इसमें से निकालिए। तो ये मान लीजिए प्लेयर ने निकाल दिए चारों कार्ड्स, देखते हैं। इसमें ये तीन आए हैं ईट के, एक आया है पान का। इसका मतलब क्या हुआ, उनके वो ही पत्ते काउंट होंगे जो कि ईट आएगा या पान में आएगा। मतलब इन दोनों में से हमको देखना है कि उनके कौन से पत्ते काउंट होंगे। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ईट के पत्ते ही जा सकते हैं, दूसरे नहीं। तो ये सब दूसरे हैं, ये वेस्ट। ऐसे ही ये जो पान है, इसमें सिर्फ पान के पत्ते ही जा सकते हैं, दूसरे सब वेस्ट। तो ये सारे वेस्ट हो गए हैं। इनके पास में ये क्या आया है, इक्का तो हमने ऐसे डाला था। तो ये जो पॉइंट्स हुए क्या हुए, 3, 10, 13, 8 और 4, 12। तो 13 और 12 कितने हो गए, 25। तो उनके स्कोर हो गए हैं 25। मान लीजिए चार में चारों अलग आ जाते, तो उनके चारों कार्ड्स, चारों बोल के कार्ड्स जो हैं, जो भी उनके स्पेसिफिक कलर और शेप के होते, वो हम काउंट कर सकते थे। पर इनके क्या आया, सिर्फ ईट और लाल, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्कोर हमने ऐसे किया है। दूसरी तरह से इसका स्कोर ऐसे किया जाता है कि जैसे ये मान लो ये भी चिड़ी का है ना, तो इसमें ये चिड़ी का भी जाएगा, साथ में जोकर भी जाएगा। अब ये देखिए, इन पत्तों में से एक भी हुकुम का नहीं है, तो ये सारे वेस्ट हो गए। अब जोकर का क्या ट्विस्ट है, जोकर का ये ट्विस्ट है कि आप इसको 10 पॉइंट्स मान सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो आप इसको। तो आपके मान लीजिए जो चार कार्ड्स आए हैं, मान लीजिए ये चार कार्ड्स ये वाले आए, ठीक है, ये लाल के आ गए और एक ये चिड़ी का आ गया। अब हमारे पास में क्या है, हमारे लाल में बहुत सारे हैं, चिड़ी में हमारा एक ही है, तो हम इसको यहाँ पे रहने दे सकते हैं जोकर को, और इसके 10 पॉइंट्स होंगे। तो उनके पॉइंट्स कितने होंगे, 10 और 4, 14, साथ में ये लाल के 8 और 4, 12, तो कितने हो गए, 26। तो है ना, बहुत ही क्विक ट्विस्ट से भरा हुआ गेम। ऐसे ही गेम्स के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई स्पेशल थीम पे गेम चाहिए तो भी जरूर कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी थीम पर बनाने की पूरी ट्राई करूंगी। बेल आइकन को भी जरूर टैप करिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग.